दिव्यांका त्रिपाठी धैया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि दिव्यांका का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनके साथ हुए इस हादसे की जानकारी उनकी पीआर टीम और उनके पति विवेक दहिया ने उनके फैंस को दी। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बताया कि दिव्यांका के हाथ की दो हड्डियां टूट गई हैं और ऐसे में उनकी सर्जरी होने वाली है। दिव्यांका त्रिपाठी की पीआर टीम ने 18 अप्रैल को सोशल मीडिया पर इस एक्सीडेंट की खबर फैंस के साथ शेयर की। हालांकि दिव्यांका त्रिपाठी की टीम ने इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो शेयर नहीं की, लेकिन हाँ ये बताया है कि दिव्यांका अब मेडिकल केयर में है। दिव्यांका त्रिपाठी की पीआर टीम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, हमें ये घोषणा करते हुए दुख हो रहा है कि विवेक दहिया का कल होने वाला लाइव सेशन अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। दिव्यांका का कुछ घंटे पहले एक्सीडेंट हो गया था और अब वो मेडिकल केयर में है। उनके पति विवेक उनके साथ हैं। हम आपकी समझ और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं और दिव्यांका के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करते हैं। विवेक जल्द ही आप सभी से जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। वहीं दिव्यांका त्रिपाठी के पति विवेक दहिया ने एक एक्सरे की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि उनकी पत्नी की सर्जरी होने वाली है। आपको बता दें, कुछ महीने पहले दिव्यांका त्रिपाठी की लिगामेंट सर्जरी हुई थी। दिव्यांका ने अपना एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिगामेंट सर्जरी से लेकर रिकवरी तक की जर्नी के बारे में लोगों को इन्फॉर्म किया था।